दुर्ग जिले के रिसाली स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स एकजुट हुए और आज स्कूल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। स्कूल प्रबंधन ने घंटों गेट बंद रखा, जिससे घंटों इंतजार करते हुए पेरेंट्स देखे गए। पेरेंट्स के द्वारा अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान एएसपी सुखनंदन राठौर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। वी वांट जस्टिस के नारे के साथ सभी पेरेंट्स स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ के समक्ष सवाल उठाते रहे। डीपीएस स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पालक शुक्रवार की सुबह भिलाई निवास के समक्ष एकत्रित हुए। यहां से संगठित होकर डीपीएस रिसाली स्कूल के मुख्य द्वार के समक्ष पहुंचे, परंतु स्कूल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भारी संख्या में आए हुए पेरेंट्स को देखकर अंदर जाने से रोका गया। तब पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पेरेंट्स के आक्रोश को देखने के बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें स्कूल परिसर के अंदर आने की अनुमति दी गई। स्कूल के भीतर पहुंचते ही पेरेंट्स द्वारा नारेबाजी करते हुए स्कूल के प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ के साथ अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की मांग की गई। काफी इंतजार के बाद सैकड़ों की संख्या में एकत्रित पेरेंट्स के समक्ष प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ आए और वह चर्चा के लिए तैयार हुए। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन एवं पेरेंट्स दोनों ही पक्षों के मध्य चर्चा जारी रही। दरअसल 5 जुलाई को एक घटना इसी स्कूल में हुई थी। बताते हैं कि स्कूल की आया मासूम को लेकर टॉयलेट कराने गई थी। उसे वॉशरूम में छोड़कर वह दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर में रोते हुए बच्ची वॉशरूम से बाहर आई, तब स्कूल वालों का ध्यान उस पर गया। इसी बीच स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को उसे लेने आई कार में बिठाकर घर भेज दिया। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप भी उपस्थित परिजनों ने लगाया है। इस घटना में पीड़ित बच्ची को न्याय नहीं मिलने का उल्लेख भी किया गया है। इसी घटना के संदर्भ को लेकर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार स्कूल प्रबंधन के समक्ष प्रश्न खड़े करते नजर आए और दोनों ही पक्षों के बीच लंबी चर्चा का दौर चला। मामला यही है कि वो लेडी कहाँ है जिसने उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। हम तो उस पक्ष को जांचने आए हैं ताकि उस बच्चों को इंसाफ मिल सके। आज हम पूछ रहे हैं वो लेडी का डिटेल दो तो हमारे पास शेयर नहीं किया जा रहा है। हमको बोला जा रहा है स्कूल में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, हमारे पास सीसीटीवी प्रूफ है। तो वो प्रूफ मीडिया में या हमको क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? वो बोलते हैं वो लेडी थर्ड पर्सन थी, थर्ड एजेंसी। तो थर्ड एजेंसी कहाँ है? हम बस यही मांग करते हैं कि पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, वो लेडी को पेश किया जाए और हमको सब प्रूफ दिया जाए। प्रबंधन इस मामले में दबा रहा है क्या? बिल्कुल, हमको तो वही लग रहा है। अगर प्रबंधक नहीं दबा रहा तो प्रूफ दे कि उस लेडी ने कुछ नहीं किया, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। किया है तो वो लेडी कहाँ है? कुछ तो हमको निष्पक्ष नहीं मिल रहा है कि हमारे पास, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारा हम लोग क्लीन है एकदम। आपके पास क्या प्रूफ है आप क्लीन नहीं है? आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए आप क्लीन नहीं हो। हमको क्लीन कट शीट दे दो, हम अभी चले जाएंगे।
मुझे जो जानकारी है, पिछले महीने 4 या 5 जून को घटना ही है, किसी बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ का आरोप पालक ने लगाया है, पेरेंट्स ने लगाया है, जिसको लेकर आज मामला बहुत दिन से दबा हुआ था, धीरे धीरे ये मीडिया के सामने आया और लोगों के बीच में ये खबर फैली और आज लोग बहुत रोष में हैं, विरोध करने आज स्कूल प्रबंधन का विरोध करने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। प्रबंधन का कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना यहाँ हुई नहीं, जबकि जिस बच्ची के साथ घटना हुई है उनके पेरेंट्स का कहना है कि हमको न्याय चाहिए और प्रबंधन सीधे मुकर रही है कि यहाँ इस प्रकार की कोई घटना हुई ही नहीं है। हम इस घटना की जांच के लिए SDM लेवल के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासन से ये मेरी मांग है कि SDM लेवल का अधिकारी नियुक्त कर पेरेंट और प्रबंधन के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बनाया जाए ताकि उस बच्ची के साथ जो हुई है घटना उसको न्याय मिल पाए। वाले बोल रहे ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, हमको ये खबर मिली KG1 के बच्चे के साथ हुआ है और सर हुआ है जब ही, तो आज KG1 के पेरेंट्स की मीटिंग है यहाँ 3 बजे। अगर कुछ नहीं हुआ रहता तो आप सिर्फ KG1 के पेरेंट्स को 3 बजे यहाँ क्यों बुलाए? और सेकंड सर, आज अगर हम आवाज़ नहीं लगाएंगे कल को किसी की भी बच्ची हो सकती है सर, तो सारे पेरेंट्स इसलिए अवेयर है ताकि कल को ये घटना फिर ना हो, तो इसलिए आज सब एक साथ खड़े हैं। चीज़ तो हमको नहीं पता इतने दिन तक स्कूल वाले ये मामला दबाए क्यों, और सर जब खबर मिली तो सारे पेरेंट्स आप देख सकते हो सर कैसे खड़े हैं। सर अभी बोल रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है डिसाइड, अभी सब यूनिटी बनाएंगे। सर मंगे हैं बट अभी तक दिए नहीं है, अब आगे देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। और बाकी सब पेरेंट्स तो एक साथ खड़े ही हैं सर, मिलकर कुछ ना कुछ तो करेंगे। पुलिस क्या जानकारी दे रही है आप लोगों को? पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है, पुलिस ये बोल रही है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ कुछ हुआ नहीं तो ये पेरेंट्स बेवकूफ़ है, यहाँ सब लोग आए हैं, पेरेंट्स क्यों आए हुए हैं और पुलिस लोग क्यों आए हैं? पुलिस लोगों का क्या काम है? पुलिस लोग रोज आएंगे हमारे बच्चों के लिए, फिर रोज आना चाहिए, फिर पुलिस लोगों ने हर एक क्लास में एक एक पुलिस खड़ा होना चाहिए, फिर हम भी सेफ रहेंगे कि हमारे बच्चे पुलिस के अंडर में है। फिर पुलिस इतनी आज दिखा रहे हैं ना, एक्टिवनेस दिखा रहे हैं ना, तो इनको फिर साल भर एक्टिवनेस दिखानी चाहिए। जांच कमेटी गठित की गई, हाँ मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस बच्ची के साथ में हुआ है उनके पेरेंट्स ने भी यहाँ आके बात करनी चाहिए सर, हमेशा हम खड़े हैं। आज हम उनके लिए खड़े हैं तो उन्होंने भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। उनके बच्चे के ऊपर इतना बड़ा काम हुआ है और वो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने भी एक्शन लेनी चाहिए। इसको दबाना नहीं है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर हुआ है तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और उस बच्ची को अगर उन्होंने बोला है कि उस बच्ची को निकाल दिया तो उस बच्ची को निकाल, उसकी क्या गलती है? क्यों, किस किस वजह से निकाल दिया उस बच्ची को स्कूल से? क्या वजह है निकालने की? स्कूल से निकाल दिया है बोल रहे हैं, उसको भी निकाल दिया है बोल रहे हैं, सुनने में तो यही आ रहा है। हमको पूरा भी, हमको भी मालूम नहीं, हम भी यही सुन रहे हैं क्यों निकाल दिए है, किस वजह से निकाल दिए है, सस्पेंड किया है। सर ऐसे सुने हैं अभी हमने, यही पर सुना है, हमको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, हमने सुना है बस। वहीं DPS स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत वशिष्ठ ने कहा कि घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है, हमें 6 जुलाई को पता चला है। स्कूल में लगे CCTV फुटेज बच्चों के पेरेंट्स को दिखाया गया है और बच्ची को भी स्कूल के लेडी अटेंडर को दिखाया गया, लेकिन बच्ची ने नहीं पहचाना। बच्ची को खेलने भेजा गया था जहां उल्टी आने के बाद बच्ची को घर भेज दिया गया था। हम पर जितने भी आरोप लग रहे हैं वह सब बेबुनियाद हैं। वहीं एडिशनल SP सुखनंदन राठौर ने बताया कि जब यह मामला आया था तब पुलिस की टीम द्वारा इसकी जांच की गई थी, परंतु दुष्कर्म जैसी कोई भी चीज जांच में नहीं पाई गई। DPS स्कूल के गार्जियन और पेरेंट का एक प्रतिनिधि मंडल यहां आया हुआ था, जिस पर
प्रिंसिपल के द्वारा अंदर ला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही थी। इस बीच इनकी संख्या अधिक था, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर आए हुए हैं और इनका जो भी मांग है, जो डाउट्स हैं, वो प्रिंसिपल डीपीएस के साथ मिल करके इसको क्लियर कर रहे हैं। इनके आपस में बातचीत चल रही है। जब ये मामला आया था उस समय पुलिस की आईओसीए की टीम द्वारा जांच कराई गई है, इसमें दुष्कर्म जैसा कोई चीज़ जांच में नहीं पाया गया है, ये बात स्पष्ट है और इन सारी चीज़ों को अवगत कराया गया है। और अगर कोई इस प्रकार की बात, इस प्रकार की जांच इनके समक्ष है, इनको हमने आग्रह किया है कि इनके प्रतिनिधिमंडल आ जाएं और उसके सामने ये सारे चीज़ क्लियर कर लें। इस पूरे मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों का सामने न आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या पीड़ित परिवार पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है या फिर उन्हें किसी और बात का डर है? खैर, बात जो भी हो, पर यहाँ मामला स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सुरक्षा का है। ऐसे में पीड़ित पक्ष का सामने न आना अन्य पालकों को और भी ज़्यादा आक्रोशित कर रहा है। पर यहाँ देखने वाली बात यह है, इतने बड़े और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटना होना पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर रहा है। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।